दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेवाड़ के शासक जो क्रम से है और क्रम से पढ़ेंगे इनको। तो सबसे पहले चलते हैं राणा हमीर जो शासक बने थे 1326 में, उसके बाद में राणा खेता, खेता के बाद में राणा लाखा, राणा लाखा 1382 में बने थे, और राणा लाखा के बाद में राणा मोकल, राणा मोकल के बाद राणा कुंभा, और राणा कुंभा के हत्या उनके पुत्र उदयकरण ने की थी, जिसको उदा भी कहते हैं, लेकिन ये उत्तराधिकार नहीं बना था। और राणा कुंभा शासक जो बना 1433 में बना था, और उसके बाद में रायमल, रायमल के बाद में राणा सांगा, राणा सांगा की मृत्यु कालपी में हुई थी, उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में, और महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी। राणा सांगा 1509 में शासक बने थे जो 1528 तक रहे, और उदय सिंह 30 जनवरी 1528 से 28 जनवरी 1572 तक शासक रहे। उसके बाद महाराणा प्रताप 28 जनवरी 1572 से 19 जनवरी 1597 तक शासक रहे, और उसके बाद अमर सिंह प्रथम आए 19 जनवरी 1597 से 1615 तक, और करण सिंह, अमर सिंह प्रथम के बाद में करण सिंह, करण सिंह 1615 से 1628 तक रहे, और करण सिंह के बाद में जगत सिंह प्रथम शासक बने जो 1628 से 1652 तक रहे, और जगत सिंह प्रथम के बाद में राज सिंह शासक बने जो 1652 से 1680 तक रहे। जय सिंह, राज सिंह के बाद में जय सिंह जो 1680 में शासक बने, और जय सिंह के बाद अमर सिंह प्रथम। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।